अस्सलाम वालेकुम सिटी 5 टीवी के साथ मैं हूं जवेरिया नियाज। सबसे पहले हेडलाइंस। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। जमात इस्लामी वजीराबाद के सिटी अमीर साबिर हुसैन भट्ट ने कहा है कि कोरोना की आलमी वबाई सूरत हाल में जमात इस्लामी मुल्कों कौम और अवाम की हिदमत के लिए मुकम्मल तौर पर मैदान अमल में मौजूद है और इंशाल्लाह सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल तक कारकुनान जमात खिदमत की इस महाज पर मुकम्मल यकसोई और अजम के साथ मौजूद रहेंगे। जमात इस्लामी और अल हिदमत फाउंडेशन तकरीबन 50 करोड़ मालियत का रिलीफ अवाम तक पहुंचा चुकी है। सैकड़ों एम्बुलेंसेज, अस्पताल, जदीद लेबॉरटरीज, ब्लड बैंक की हुकूमत को पेशकश की है, जबकि लाखों कारकुनान मैदान अमल में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी वजीराबाद में तैयार खाना और राशन तकसीम कर रही है। दूसरे मरहले में 1000 मुस्तहक खानदानों में 3000 की कस्त इमदाद दी जाएगी। अल हिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने थर पारकर समेत मुल्क के 10 शहरों में कोरोना वायरस एमरजेंसी की सूरत हाल के पेश नज़र 10 अस्पतालों में वेंटिलेटर समेत दीगर मेडिकल आलात फराहम कर दिए। अल हिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी वजीराबाद की तरफ से यूनियन काउंसिल की सतह पर हमने सर्वे मुकम्मल कर लिया है और तकरीबन इब्तदाई स्टेज पे 3000 अफराद का हमने टारगेट रखा है। हर घर में ज़रूरतमंद को 3000 रुपये अदा किए जाएंगे। पहले स्टेज पे 1000 रुपया 1000 अफराद तक ये पहुँचेगा। 3 दिन में ये सरिया मुकम्मल होगी और इसके 15 दिन बाद दूसरी और इस तरह तीसरी। अल हिदमत ने ग्राउंड फ्लोर की सतह पर जाके अपने इंतजाम मुकम्मल कर लिए है। अब सर्वे के बाद लोगों को फंड्स देने का सिलसिला जो है जारी है। इसके अलावा अल हिदमत फाउंडेशन राशन तैयार मुख्तलिफ आबादियों में तकसीम कर रही है। रोज़ाना की बात पर हमारे कारकुनान खास सतह पर निकले हैं, ज़रूरतमंदों की लिस्टें बना रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों तक पहुँचा जाए जो मुस्तहिक हैं, जिनकी ज़रूरियात जो है पूरी नहीं हो रही और फाकों पर मजबूर हो गया। और यह हैदरा से भी हम अपील करते हैं कि वो हमारा साथ दें और हमारे साथ चले और अपने फंड्स अल हिदमत फाउंडेशन करें। खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। जवेरिया नियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगेबान।